हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वी स्टार्टेड विद द चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम्स फ्रॉम CS1 12th स्टैंडर्ड एंड दिस इज द लास्ट बट वेरी मच इम्पॉर्टेंट लेक्चर फॉर यू फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ओके, इन दिस सेशन आई एम गिविंग यू द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑफ बोर्ड एंड दिस आर रियली वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज I have given you which are really frequently asked in board. Okay, so let's see. From this chapter, you are getting questions for 3 marks and 4 marks. Okay, so we'll see one by one. For 3 marks first, let's see the first one. What are the services provided by operating system? In this, you have to write about process management, information management and memory management. Okay, so this will give you 3 marks. Next is explain any 3 states of process in process management of operating system. So any 3 state means what? कि process management में से कोई भी 3 state बताना है, like append a process, stop a process, okay, delete a process, ऐसा कुछ भी 3 system call आपको यहाँ पे बताना है. Next is what is operating system? List any 4 operating system names here. ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको लिखना है नेक्स्ट एनी 4 वॉट एवर यू आर नोइंग. ओके, इट्स नॉट कि जो आपके टेक्स्ट बुक में है बस वही लिखना है. यू कैन राइट एनी वन, विंडोज NT, 98, विंडोज 2000, ओके, लिनक्स, यूनिक्स, मैक, यू कैन राइट एनीथिंग. ओके, नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑफ फाइल मैनेजमेंट. क्रिएटिंग, राइटिंग and deleting means whatever you can do with the file you have to write any 3. I taught you total 5 to 6, so you have to write 3 here which are specified. Okay, now the next one, what is file system? List and explain the types of file systems used in OS. And the next one is what is file system? Explain tape based and disk based file system. These two are same. Okay, keep in mind यहाँ पे बस आपको ये नाम लिख के दिया है. हियर यू हैव टू लिस्ट एंड एक्सप्लेन. यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है, जस्ट यू हैव टू एक्सप्लेन. ओके, तो ये मैंने अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताया है. नेक्स्ट इज व्हाट इज वीडियो? एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन वीडियो, दैट इज डम एंड इंटेलिजेंट. सो दिस आई ऑलरेडी टॉट यू. ओके, वीडियो मीन्स व्हाट? विजुअल डिस्प्ले यूनिट. सो प्लीज रिफर द लेक्चर्स. Let's see the file system. See, the collection of related information, that is data or programs, is called as file. Collection agar kuch bhi hai information ka with data or programs, it is called as file. For convenient use of computer system, OS provides a uniform logical view of information storage. कन्वीनियंट रहना चाहिए हमारा, जो भी इंफॉर्मेशन है हमें कभी भी मिलना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं. सो देयर आर टू टाइप्स टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन. द फर्स्ट वन इज टेप बेस्ड. सो लेट सी द फर्स्ट टेप बेस्ड. आई होप वी ऑल आर नोइंग दैट एक ब्लैक कलर का पहले बहुत बड़ा टेप रहता था, फिर एक छोटा सा कैसेट भी आता था, दैट इज नोन एज टेप. ओके, टेप बेस्ड सिस्टम्स आर सिंपल बट इनएफिशिएंट. इनएफिशिएंट मीन्स वॉट? इसीलिए वो अब यूज में नहीं है या कम है, बिकॉज इट इज इनएफिशिएंट. वी कैन नॉट स्टोर मच डेटा इन दिस सिस्टम्स. फाइल आर स्टोर्ड ऑन टू रील ऑफ फिजिकल टेप्स. वन और मोर फाइल्स आर स्टोर्ड ऑन टू वन टेप. तो ये कैसा था? एक फिजिकल टेप था विच वी कैन टच एंड इट इज ब्लैक इन कलर. उसमें रील्स रहता था एक ब्लैक कलर का, जहाँ पे डेटा स्टोर होता था. और एक टेप में एक से ज़्यादा फाइल्स भी हम स्टोर कर सकते थे. इट इज़ अकॉर्डिंग टू द साइज. ओके, टेप्स आर यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. अगर हमें एक पीसी से दूसरी जगह पे डेटा ट्रांसफ़र करना है, सो वी कैन स्टोर इट इन टेप एंड कैरी इट. ओके, सो दिस इज टेप बेस्ड. बट नाउडेज व्हाट वी आर यूजिंग? डिस्क बेस्ड. डिस्क मीन्स लाइक फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD. Okay, these are your disk. So let's see. Each disk is divided into tracks. तो हर एक disk क्या है? Tracks में divided है. I show you the structure. Go to that lecture. कि number of sectors you are having and number of lines also. Okay.
सो ईच डिस्क इज डिवाइडेड इंटू ट्रैक्स, ये जो सर्कल सर्कल है ये क्या है, ट्रैक्स है, एंड ईच ट्रैक इज फर्दर डिवाइडेड इंटू सेक्टर, ये सेक्टर है, सेक्टर 1, 2, ओके, तो ये सेक्टर्स हैं. नंबर ऑफ ट्रैक्स एंड साइज ऑफ सेक्टर इज अवेलेबल, हर एक का ट्रैक का और सेक्टर का साइज लाइक दिस, ये जो मैं शेडेड पार्ट बता रही हूँ, हर एक का साइज अवेलेबल होता है, इट वेरीज फ्रॉम वन ड्राइव टू अनदर. ओके, अ डिस्क हैज़ अ डिवाइस डिरेक्टरी इंडिकेटिंग विच फाइल आर ऑन टू ऑन डिस्क, तो इसमें ये भी बताता है कि कौन सा फाइल हमारा डिस्क में है. द डिरेक्टरी लिस्ट द फाइल नेम्स, स्टार्टिंग एड्रेस, फाइल लेंथ, टाइप ऑफ फाइल. जब भी हमने किसी भी फोल्डर को ओपन किया होगा, अगर उसमें आपके नंबर ऑफ फाइल्स है, सो यू कैन गेट द डेट, लास्ट अपडेटेड डेट, व्हेन इट इज क्रिएटेड, नेम ऑफ द फाइल, लेंथ कितना, इट इज ऑफ 1 KB, 2 KB, 5 MB, टाइम ऑफ क्रिएशन, एवरीथिंग वी कैन गेट. आई होप वी यू ऑल आर गेटिंग कि आप कोई एक फोल्डर ओपन करो और वहाँ पे अगर आप सारे फाइल्स को साथ में देख रहे हो तो आपको पूरा डिटेल भी दिखाई देता है, लिस्ट विद डिटेल, तो आप वहाँ पे देख सकते हो ये सारी चीज़ें. ओके, सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ डिस्क. सो दिस इज योर डिस्क बेस्ड सिस्टम एंड दिस विल गिव यू 3 marks. ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम. यू हैव टू डिफाइन डिवाइस ड्राइवर विच आई ऑलरेडी गिवन यू, टर्मिनल, इनपुट आउटपुट एंड फाइल सिस्टम. ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन मल्टी यूजर एंड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी मैंने आपको बता दिया है. नेक्स्ट इज व्हाट इज मल्टी प्रोग्रामिंग एंड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इन प्रोसेस मैनेजमेंट ऑफ OS. ओके, इट्स ऑलरेडी आई टॉट यू, इट इज टॉट बाय मी, दैट इज व्हाट इज मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीपल प्रोग्राम्स जो रन होते हैं, और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, व्हेन योर प्रोग्राम इज जंपिंग फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर, व्हेन CPU इज जंपिंग. सो जो भी टाइम वेस्ट हो रहा है, दैट इज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. सो प्लीज रिफर एंड ड्रॉ द डायग्राम इन बोर्ड ऑल बू. ओके, इन बोर्ड एग्जाम. एक्सप्लेन मेमोरी मैप ऑफ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, मेमोरी मैनेजमेंट में एक सिंगल यूजर था, एक फिक्स्ड पार्टीशनिंग, एक वेरिएबल पार्टीशनिंग, सो यू हैव टू राइट अबाउट सिंगल यूजर. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. दिस आई ऑलरेडी गिवन यू इन प्रॉपर स्टेटमेंट, दैट इज व्हाट इज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एंड व्हाट इज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. नेक्स्ट, व्हाट इज सिस्टम कॉल लिस्ट, एनी टू सिस्टम कॉल्स ऑफ मेमोरी. मेमोरी में क्या था, रिलीज द मेमोरी एंड टू यूज अ चंक ऑफ मेमोरी. ओके, दो ही उसमें कॉल रहते हैं, सिस्टम कॉल. नेक्स्ट, What is virtual memory? Explain any two elements of virtual memory. Virtual memory क्या है, उसके elements क्या क्या थे, fairness, throughput, turn around time, ये सब आपको इसमें से कोई भी दो explain करना है. Okay? Now, the next one is, write the process state. Explain the process state. This is very much important. That is running state, ready state, block state. हर तीनों का क्या meaning है आपको लिखना है, और ये मैंने अच्छे से एक video में बताया है आपको. Give 3 differences between worm and viruses. Virus. Okay, ये भी मैंने बताया है. What is virus? Explain any 2 infection method of virus. That is append, insert, replace. Okay, such kind of method. Explain virus detection, removal and prevention. This you will get in last lecture of OS. Okay. Explain in brief any 3 ways the data security system can be attacked and penetrated. Here, like authentication, browsing, trapdoor, such kind of thing. I have given you, I think, 8 to 10, okay, security attacks. So, usme se aapko koi bhi 3 ways likhna hai. Next is, what is computer virus? State any 4 methods by which a virus can affect other programs. It is infection method and these 2 are same. Here you have to write 4 methods. Okay. So, same you have to write like append, insert, replace. Clear? So, you are having 5 method. You have to write any 4 here. Now, the next one. 4 marks questions. Let's see about 4 marks. First one. Explain the following terms in case of magnetic disk. ये भी मैंने आपको बताया है, that is tracks and sector, seek time, transmission time and latency, और rotational delay. दोनों का meaning एक ही है.
Okay, so these four statement will give you 4 marks. Next, what is system call list? Any three system calls of memory management, process management and information management. तीनों में से आपको 3-3 system call देने हैं. Okay. Next, explain context switching operation between two process A and B with suitable diagram. So here you have to write the definition and draw the structure and explain the structure according to process A and B. ये भी मैंने आपको बताया है with two process. Process 1 and 2, just here name is A and B. Okay. Next is explain fixed partition and variable partition in memory management. जो हमने अभी एक देखा सिंगल यूजर के लिए, यहाँ पे मेमोरी मैपिंग फॉर फिक्स्ड एंड वेरिएबल पार्टीशन के लिए आपको लिखना है. ओके, दिस विल गिव यू 4 मार्क्स, 2 मार्क्स फॉर ईच पार्टीशन. नेक्स्ट, एक्सप्लेन फॉलोइंग टर्म्स इन केस ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग, दैट इज टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, टर्मिनल रेस्पॉन्स टाइम एंड थ्रूपुट. हियर यू आर हैविंग द सेम, जस्ट वन थिंग इज डिफरेंट, दैट इज इवेंट response time. Okay, so these terms are really very much important. Okay, this turnaround, waiting time, response time, these things are really very much important. This will give you 4 marks in board exam. Next, what is paging? Explain using example and diagram of page table. So here page table is very much important, that is what is logical memory and physical memory, that what we are storing in logical memory and what we are storing in physical memory, you have to show with the diagram. Next, what is virtual memory? Explain any three elements of virtual memory. Okay, same thing, it is the same, ye jo humne yahan pe bataya hai na 4, bas isme se koi bhi 3 batana hai and 1 or 2 you are more having. Okay, so virtual memory ke bare mein hi aapko ye pura likhna hai. Next is define security of OS, describe the elements of security. Here confidentiality, okay, authenticity, ये सब आपको लिखना है and integrity, these three are there. Next, explain 4 types of security attack. जहाँ पर मैंने आपको 8 to 10 security attacks बताए उसमें से आपको 4 लिखने हैं. Next, explain paged memory management with a suitable page map table. This is same as paging, you have to write the content of paging. What is computer virus? What are the different methods by which virus can infect other programs? Okay, so kaun se methods is same, append, insert, replace, such kind of method you are having. Next is state the various steps involved in allocation of partition in case of fixed partition. Fixed partition के लिए आपको diagram के through explain करना है that how it is allocated. Okay. Now, what is partitioning? Explain fixed variable partition. These are really very much important from memory management. Full memory management concept is very much important for you all. And the last one is explain the following terms respect to memory management, that is internal priority, external priority, purchased priority and time slice. This 4 statement I already given you with theory and explanation. Okay, so please follow and do all the question set very well. And the next one is omitted questions for this year 2021 due to COVID. Okay, so these things I have given you here which you have to avoid, no need to study. Okay, so like write important feature of these OS and write 3 features of Windows NT and write 3 features of Windows 98, GUI kya hai, elements kya hai uske, okay, uske features kya hai, ये कंपोनेंट का मीनिंग क्या है, मेन्यू बार, टाइटल बार, स्क्रोल बार. एक्सप्लेन इन शॉर्ट द फंक्शन ऑफ मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन, सेम एज इट इज कंपोनेंट ऑफ GUI. ओके, सो दिस थिंग्स यू हैव टू अवॉइड. ओके, नो नीड टू स्टडी दिस थिंग्स, कोई भी बोले बट आप ये टॉपिक्स आप स्किप कर सकते हो बिकॉज इट वॉन्ट कम दिस ईयर ओनली फॉर योर एग्जाम. ओके,
So please study it very well, and if you are getting any kind of doubt, please mention through comment or through email, and soon you will get your paper pattern for CS 1 and 2. Okay? So please till that time complete your syllabus, and next we will do the paper pattern of CS 1 and 2. Okay? Thank you, friends.